गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। कल हमने डील किया था नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो अगस्त महीने के पहले हफ्ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। आज हम उनके ऊपर बेस करके सॉल्व करके देखते हैं एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज के माध्यम से हम कैसे अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खोला गया है, या फिर वेयर हैज बीन द फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल रिसेंटली और इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए एजवाल मिजोरम, ऑप्शन बी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गैंगटॉक सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी शिलोंग मेघालय। एजवाल मिजोरम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, गैंगटॉक सिक्किम, शिलोंग मेघालय। 3D प्रिंटेड स्कूल, इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में देश का पहला 3D स्कूल इनॉग्रेट किया गया था। इसके साथ ही आप लोग बताएंगे भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस और 3D हाउस बिल्डिंग कहां कहां इनॉग्रेट की गई थी। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D हाउस, और तीसरी बात आप जो बताएंगे वो होगा भारत का या फिर विश्व का ऐसा पहला कौन सा रॉकेट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट जो कि 3D इंजन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तीनों बातें आप लोग बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो विच एडिशन ऑफ नोमैडिक फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट लेह लद्दाख इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में लेह लद्दाख में खानाबदोश उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित कराया गया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेह जो कारगिल के साथ में, जो कारगिल के साथ में लद्दाख का क्या है, जॉइंट कैपिटल है, जॉइंट कैपिटल, वहां आयोजित कराया गया था क्या नोमैडिक फेस्टिवल। इस क्षेत्र में चांगपा नामक एक क्या है, नोमैडिक ट्राइब, जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करते हैं अपने भोजन से लेकर के अपने रहवास तक, चांगपा ट्राइब, उनके जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कराया गया था हाल ही में जुलाई में। ये कौन सा संस्करण था, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा, चौथे क्रम का नोमैडिक फेस्टिवल आयोजित कराया था लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंडियन परफॉर्मेंस एट पेरिस समर ओलंपिक्स। पहला, इंडिया क्लिंच्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल विथ 1 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज मेडल्स। ऑप्शन नंबर टू या फिर स्टेटमेंट नंबर टू, सोल सिल्वर मेडल हैज बीन क्लिंच्ड बाय नीरज चोपड़ा। स्टेटमेंट नंबर थ्री, स्वप्निल क्लिंच्ड ब्रोंज मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट विच इज इंडियाज फर्स्ट मेडल इन दिस इवेंट। मनु भाकर बिकेम द ओनली एथलीट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स एडिशन। इसमें से क्या सत्य है पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 6 पदक जीते। 2, एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। 3, स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता, जो इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की एकमात्र एथलीट बन गई हैं। क्या क्या सही है,
केवल एक सत्य है, एक और दो सत्य है, एक दो तीन सत्य है, या फिर एक दो तीन और चार, चारों ही सत्य हैं। भारतीय प्रदर्शन, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024। क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू? व्हाट इज ट्रू? तो जो जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही क्या हैं, सत्य कथन है। भारत को कुल मिलाकर के 6 पदक मिले हैं। एक जो सिल्वर पदक है वो किसने दिलाया है? नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। स्वप्निल जो है, इन्होंने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत का पहला मेडल दिलाया है, यानी कि इस इवेंट में पहला मेडल मिला है किसको? स्वप्निल को। मनु भाकर ने 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक तो ये स्वतंत्र भारत की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है जिन्हें एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स मिले हैं, साथ ही मनु भाकर क्या बन गई है, शूटिंग का जो कंपटीशन होता है उसमें एक मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है भारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द T20 एशिया कप 2025? कौन सा देश T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? और ये जो है इसका आयोजन कराया जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी कि एशियाई क्रिकेट संघ द्वारा, परिषद द्वारा, माफ कीजिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा इसका आयोजन कराया जाएगा। ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, या फिर डी नेपाल। T20 एशिया कप 2025 मेजबानी, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाब। 34 साल बाद भारत इसकी क्या करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। पहली बार T20 एशिया कप कब खेला गया था? 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा क्या है, ये कंपटीशन है। चलिए अगला देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर फ्लैग बियरर्स फॉर इंडिया इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजारोहक या फिर ध्वजावाहक निम्न में से कौन थे? ए पीवी सिंधु एंड अचंत शरत कमल, ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु एंड पीआर सुजेश, ऑप्शन नंबर सी पीआर सुजेश एंड मनु भाकर, ऑप्शन नंबर डी मनु भाकर एंड अचंत शरत कमल। समापन समारोह के ध्वजावाहक, तो जो समापन समारोह के रहे हैं वो रहे हैं कौन? पी आर श्रीजेश और मनु भाकर, है ना, ये क्लोजिंग सेरेमनी के रहे हैं। और वहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, पीवी सिंधु एंड अचंत शरत कमल, ये आपका किसके रहे हैं? ओपनिंग सेरेमनी के रहे हैं। ठीक है, तो जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको दिनांक दिए, दिन दिए हुए हैं, दूसरे तरफ दिए हुए हैं वह कब मनाए जाते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, ग्लोबल टाइगर डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन एंड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई, 1 अगस्त, 28 जुलाई, 30 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे, ग्लोबल टाइगर डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई, 1 अगस्त, 28 जुलाई, 30 अगस्त, माफ कीजिएगा 30 जुलाई।
यहां से अपन मैच करते चलते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अगस्त को। ग्लोबल टाइगर डे जो होता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन होता है ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। और नेचर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है कब? 28 जुलाई को। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में हो जाते हैं, और ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जवाब। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा वो हो जाएगा क्या, चराईदेव मैदान हैज रिसेंटली बीन इंस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टू विच स्टेट डज इट बिलोंग। चराईदेव मैदान को हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले विरासत स्थल, पहले विश्व विरासत स्थल, पहले विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर असम? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर असम। चराईदेव मैदान पूर्वोत्तर का पहला क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कल्चरल कैटेगरी में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर असम। इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम है, असम का क्या है ये, चराईदेव मैदान है। और ये कल्चरल कैटेगरी का पहला क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। चलिए आगे चलते हैं। चराईदेव मैदान हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सच साइट्स इन इंडिया विल बी, टोटल नंबर ऑफ सच साइट्स इन इंडिया विल बी, यानी कि चराईदेव मैदान को भारत की ओर से विश्व धरोहर स्थल में के रूप में अंकित किया गया है। अब भारत में ऐसे कुल मिलाकर के कितने स्थल हो जाएंगे ये आप लोगों को बताना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप लोगों से पूछ रहा है इन इंडिया। 41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44। चराईदेव मैदान जो कि आपके असम में है, कब्रगाह है, असम की जो अहोम डायनेस्टी रही है उसका क्या है, कब्रगाह है, पारंपरिक कब्रगाह। ये भारत का 43वें नंबर का क्या बनाया गया है, विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। कौन से नंबर का, 43rd, यानी कि अब कुल मिलाकर के 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे कहाँ पर, भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल कीर्ति प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट जनरल सुधा मल्होत्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी बनने वाली भारत की पहली महिला कौन हो गई हैं? जवाब आप लोग के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना जिन्होंने 38 साल तक वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें पहली बार, पहली महिला बन गई हैं जो मेडिकल सर्विसेज आर्मी की डायरेक्टर जनरल के रूप में दिल्ली में अब काम करेंगी। तो
दसवां क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ ओलंपिक ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हाइएस्ट अवार्ड गिवन बाय IOC फॉर मेरिटोरियस सर्विस, यानी कि ओलंपिक ऑर्डर का पहला भारतीय प्राप्तकर्ता कौन बना जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी द्वारा सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च क्या है पुरस्कार है, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, कपिल देव या फिर ओम प्रकाश माथुर। अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, कपिल देव, ओम प्रकाश माथुर, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें क्या दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। IOC द्वारा अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, कपिल देव, ओम प्रकाश माथुर। जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है क्या ओलंपिक ऑर्डर, और ये प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले क्या बन गए हैं, व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस के ओपन युग के इतिहास में सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर वन खिलाड़ी बन गया है। Who amongst the following became the oldest men's double world number one in history of open era of tennis? Men's double world number बनने वाला सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, रोहन बोपन्ना या फिर मैथ्यू एप्टन। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, रोहन बोपन्ना या फिर मैथ्यू एप्टन। तो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, रोहन बोपन्ना। 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में मेंस डबल का खिताब जीतते हुए 43 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए हैं, विश्व के सबसे उम्र दराज मेंस डबल के वर्ल्ड नंबर वन बन गए हैं। अगला देखते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज 18th गवर्नर ऑफ सिक्किम, हाल ही में सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश माथुर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विश्वभूषण हरिचंदन या फिर नन ऑफ द अबव। हाल ही में सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश माथुर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विश्वभूषण हरिचंदन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सिक्किम के 18वें गवर्नर, इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओम प्रकाश माथुर जी को 18वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इनके पहले जो 17वें गवर्नर थे वो कौन थे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विश्वभूषण हरिचंदन कौन रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के 9वें गवर्नर रहे हैं, 9th गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा इंडिया, भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में क्या सत्य है, ये पूछा जा रहा है, क्या सत्य है पूछा जा रहा है, व्हाट इज ट्रू। कुल मिलाकर के 45 स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 3 मिश्रित हैं। ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर के 43 हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। ऑप्शन नंबर सी, कुल 35 हैं, जिनमें से 25 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 3 मिश्रित हैं, या फिर कुल मिलाकर के 33 हैं, जिनमें 25 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। टोटल 45 विद 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 3 मिक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी, टोटल 43 विद 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स कैटेगरी।
ऑप्शन नंबर सी टोटल 35 विद 25 कल्चरल 7 नेचुरल एंड 3 मिक्स्ड, ऑप्शन नंबर डी 33 टोटल विद 25 कल्चरल 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड कैटेगरी। तो जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर के 43 हो गए हैं, जिसमें से 35 क्या है सांस्कृतिक कैटेगरी में है यानी कि कल्चरल में है, 7 नेचुरल है और 1 क्या है मिक्स्ड कैटेगरी का है। जो 43वें नंबर का बना है वो कौन सा है, 43rd नंबर का, 43rd नंबर का जो बना है वो कौन सा है, चराईदेव मैदान, जो कि असम के अहोम डायनेस्टी का क्या है एक कब्रगाह है, कब्रगाह। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का जो है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विश्व धरोहर स्थल की मिश्रित श्रेणी का है यानी कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, काजीरंगा, मानस, कंचनजंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि काजीरंगा और मानस दोनों ही, काजीरंगा मानस कंचनजंगा बोथ ए एंड बी यानी कि काजीरंगा और मानस दोनों ही मिश्रित कैटेगरी के हैं। जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा मिश्रित कैटेगरी का क्या है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एकमात्र मिश्रित कैटेगरी का हमारे भारत में पाया जाने वाला विश्व धरोहर स्थल है। अगस्त महीने के पहले हफ्ते के लिए हमारे लिए सभी समसामयिक घटनाएं हमारे लिए पूर्ण हो चुकी हैं, राजकीय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सभी समसामयिकियां साथ में उनके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने डील कर लिया है। कल फिर से हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे अगस्त के दूसरे हफ्ते में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी उन सभी समसामयिक घटनाओं को लेकर के, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, फिर उसके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और फिर उसके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।